लिया चाबी वो। अब हमें किसके सारे चढ़ के जा रहे हैं? ओ चाबी दो गड्डी दी। अबू आपके पीछे पीछे मैं भी आऊंगी, मेरा इंतजार कर, मेरा इंतजार करना, वहाँ मैं मर जाऊंगी इसके पीछे, मैं उनके साथ साथ चली जाऊंगी, उनको भी गर्मी बर्दाश्त। अबू जोनस के परिवार के हैं, मैं उनका ससुर लगता हूँ, चाचा ससुर लगता हूँ मैं। और हमारे को रात के 12 बजे 1 बजे मैसेज मिला कि जोनस का एक्सीडेंट हो गया। फिर उन्होंने मैसेज हमारे को बाद में कंफर्म किया, हमने मैसेज के बीच में ये बताया उन्होंने कि जोनस को गोली लग गई है। गोली का कंफर्म करने के लिए हम सुबह घर से 2 बजे रात को निकले थे, यहाँ पे पहुंचे हैं। और एक कांस्टेबल है इकबाल सिंह, जिसने सोए हुए जोनस को मार दिया गोली। उस बंदे ने ये नहीं सोचा कि इसके बच्चे हैं, छोटे छोटे परिवार है, ऐसे दरिंदगी के साथ उस बंदे ने इसके 3 गोलियां मारी हैं। और बात रात को बंदा रेस्ट हो गया और उसकी आज डेड बॉडी पैक करके यहाँ से भेज रहे हैं। सर कुछ नहीं, वो इंसान रात को ड्यूटी से आया और बंदा नशे में था, उसने पूरी बारिक के बीच में उस बंदे ने आके फायरिंग की। खुदा का शुक्र है कि वो बंदा किसी बाकी वाले को हाल नहीं कर सका। इसका बेड जो फर्स्ट में था, फर्स्ट दरवाजे के पास उसका बेड था, और दरवाजे पास घुसते ही अंदर इसने 3 बंदूकों पर फायरिंग किया, जिसमें से इसको 3 गोलियां लगी हैं, एक बाजू में लगी है, 2 पेट में लगी हैं। और नीचे पैड़ियों से नीचे लाते ही हमारा जो घर का मेंबर था मोहम्मद यूसुफ यूनस वो एक्सपायर्ड हो गया। अब एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको, क्या कहा? एसएसपी साहब ने बोला कि ये मैं इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हूँ, आपको इसका इंसाफ मिलेगा, अगर इसकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। हम इस चीज़ के लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हैं जो इतना हमारी हेल्प किया। और ये बोला कि इसके बच्चों को हम बेरोजगारा नहीं छोड़ेंगे, इनके बच्चों की हेल्प करेंगे। इनका बच्चा जैसे ही 18 साल की एज में पहुंचेगा तो हम उसकी जगह इसको, इसके बच्चे को सर्विस देंगे। सर इसके कितने बच्चे थे इनके? इनका एक गुड़िया है, ये इसकी बच्ची है, और एक बच्चा है जो 12वीं में पढ़ता है, अभी घर में ही है, एक छोटा बच्चा है 3 साल का, और जो बर्बाद हो गए हम, हमारा मेरे पापा को इन्होंने मार डाला। हम जे मैं चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। पापा आपसे कब मिले थे पिछले? पापा से 7-8 दिन हो गए। मैं जब पापा को कॉल करती थी, पापा बोलते थे बेटा मैं भी बहुत बिजी हूँ, तो पापा को बहुत दिन हो गए, जबकि पापा की यहाँ ट्रांसफर।